أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. خواتين حضرات पारा नंबर चार का ख़ुलासा इन बयान किया जाएगा इस पारे में दो सूरतें आती हैं सूर इमरान का बखिया हिस्सा और उसके बाद सर नसा का इब्तदाई हिस्सा सूरे आले इमरान के पहले पार्ट पर कल गुफ्तु हो चुकी आज इसमें तीन हिस्से अलग अलग हैं उस पर मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। इमरान का दूसरा हिस्सा आयत नंबर 93 से शुरू होकर 120 तक चलेगा बल्कि आयत नंबर 92 से 120 तक इसमें बनी इसराइल की जो ज़िद्द और हठधर्मी है उस पर गुफ्तगू है कल बताया गया था कि बनी इसराइल को सीधे सीधे दावत दी गई और बताया गया कि दुनिया जो तुम समेटते हो सारी दुनिया की दौलत भी देकर आखिरत में अल्लाह ताला के अजाब से नजात पाना चाहो तो नहीं पा सकते उस वक्त खर्च करने का क्या मतलब है नेकी के दर्जे को कोई आदमी उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसकी महबूब तरीन शय खुदा की राह में वह खर्च न कर दे दौलत किसी के लिए महबूब तरीन हो तो उसका खर्च करना जवानी किसके लिए महबूब तरीन हो तो वो अल्लाह ताला की राह में लगाना स्टेटस किसी के लिए महबूब तरीन हो तो उसे खुदा की राह में लगा देना ओहदे और मनसब किसी के लिए सबसे अजीज़ तरीन हो तो उसे खुदा की राह में लगाना जब तक अजीज़ तरीन मता को खुदा की राह में नहीं लगाया जाएगा हकीकी मानों में नेकी के आला दर्जे तक पहुंच नहीं सकते बनी इसराइल का जो हसद था नबी वसल्लम के सिलसिले में वो ये था कि बनी इस्माइल में आप पैदा हुए तो जो एतराजा वो उठाते थे उनमें से दो एतराजा को अल्लाह वर्क ने यहाँ नकल किया और उसका जवाब दिया पहली बात तो ये कि बजाय एतराज़ा करने के उन्हें तो चाहिए था कि नबी करीम अलैहि वसल्लम की दावत पर सीधे सीधे ईमान ले आते ईमान नहीं लाना था तो सौ बहाने बनाते थे उनमें से एक बात वो ये अर्ज़ करते थे कि मुसलमानों को क्या हो गया है कि हमारी शरीत में जो चीज़ें हराम ही उसे इन्होंने हलाल कर लिया वाक़ ये है कि शरीतों में अल्लाह तबरक ने हलाल और हराम जो कुछ किया है उसके अलावा कौमों ने बस अपनी इजादा से चीज़ों को हलाल भी कर लिया हराम भी कर लिया हज़रत याकूब आसम को बज़ चीज़ें पसंद नहीं थीं तो बाद में उनकी उम्म ने समझ लिया कि यह हराम है अब जब इस्लाम ने उसे हलाल करार दिया तो ये नाक भू चढ़ाने लगे और कहने लगे कि हमारी शरीय में जो चीज़ हराम है किताबों में लिखा हुआ है कि ऊंट का गोश्त या वो गोश्त जिसमें चर्बी लगी हुई हो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं था अब यह है कि लोगों ने उसे परमानेंट हरा हम समझ लिया इस्लाम ने उसे हलाल करार दे दिया तो वावेला मचाने लगे तो बताया कि ये फ़िकी मोशाफियाँ छोड़ो और सही सही इस्प्रिट के साथ इस्लाम की तालीमात को कबूल करो दूसरी बात कि क्या अल्लाह ताला त्याल बदलते रहता है कि कभी बैतुलमद को कबला करार दिया और काबतुल्लाह को बना दिया गया ऐसा कैसे तो अल्लाह तबारक ताली ने बताया कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बैतुलमद की तारीख़ और काबतुल्लाह की दोनों में सबसे कदीम तरीन घर काबतुल्लाह है इन्ना अव्वला बैत्यू उन्नासी लल्ल बिबखता मुबारका न सिर्फ हज़रत इब्राहिम बल्कि तारीख से मालूम होता है कि अव्वल तरीन घर रोए ज़मीन पर अगर कोई बनाया गया खुदा की इबादत के लिए तो वह काबतुल्ला है फ़रिश्तों ने बनाया तारीख़ में बात मिलती है फिर हज़रत आदम सलाम ने बनाया फिर हज़रत शीसम ने बनाया और उसके फाउंडेशन बाकी थे तो उन्हीं फ़ाउंडेशन पर हज़रत इब्राहीम ने काबतुल्ला की दीवारों को बुलंद किया दो एतराजात का जवाब दिया उनकी शरारतें पहले सूर्य बकरा के अंदर भी आईं यहाँ भी कुछ चीज़ों का तस्करा हुआ और बताया कि यही वजह है कि अब दुनिया में ये इमामत करने के लायक लोग नहीं हैं इनको डिसमिस किया गया इस सूरत में भी और एक नई उम्मत का तकर इस सूरत में भी किया गया सूर्य बकरा में कहा गया व कदालिकम उम्मत वहाँ कहा गया कुम खैर उम्मन उखरिजतनास वलतकुमिन खैर तो नई उम्मत को अल्लाह ताला ने यहाँ तकर्र फ़रमा दिया और उसके जिम्मे अल्लाह तबरक ने काम बताया और कहा कि अब अल्लाह ताला ताला ने इनको डिसमिस कर दिया इनको माजूल कर दिया ये दुनिया में जहाँ भी जाएंगे इन पर ज़िल्लत है लानत है फिटकार है और अगर कहीं इनको कुछ दिनों के लिए पनाह मिल जाए तो वो भी अल्लाह ताला की मशीत और हिमत के तहत ही मिलने वाली है कहा रोरी بت আলাইहिम الذلۃ اين ما ثقيفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس कहां के आप जहाँ भी जाएंगे ये मारे जाएंगे हाँ अल्लाह इनको पनाह देना चाहे या किसी लोगों के जरिए से अल्लाह ताला पनाह दे दे तो एक बात अलग है कुरान ने ये जो कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी और उससे पहले भी हजरत ईसा अलैहि के बाद इनका जो जवाल का दौर आया तो ये सारी यूरोप के अंदर बिखेर दिए गए इनमें से कुछ लोग मदीना की तरफ भी आ गए थे उसके बाद से लेकर ये जो गुज्त सदी में इसराइल की रियासत बनी उस वक्त तक यानी गुज्त सत्तर पचहत्तर साल को आप छोड़ दें तो दो हज़ार बरस दर बदर की ठोकरें खाते रहे इमामत का मनसब मिलने के बाद उसका हक अदा नहीं करने की पादाश में ये सज़ा है उम्मत मुश्तिमा को भी इसमें वार्निंग है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी जहाँ मिलती है वहाँ अदा नहीं करने पर उस ज़िम्मेदारी को उसकी सजा भी बड़ी होती है अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब ये तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते याद रखो जहाँ भी तुमसे मुठभेड़ होगी ये पीठ फेर कर भागेंगे ये तुम्हें सता तो सकते ही तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते इसलिए चाहिए कि तुम इनको कभी राजदार ना बनाओ ये मौके की ताक में रहते हैं फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करते हैं और वक्फ़े वक्फे से इनका बग्स इनकी अदावत इनके सीने का कीना बाहर नज़र आ जाता है क़ुरान ने बताया कि इनको अपना राजदार ना बनाओ अपना सरपरस्त ना बनाओ ख़वातिन हजरत ये बात याद रहे कुरान कुफ़ारशरकिन यहूद नसारा से आम इंसानी ताल्लुकात को बनाए रखने से मुमानियत नहीं करता उनको सरपरस्त बना लें उनको मुशीर बना लें उनको राजदार बना लें इसके नतीजे में उम्मत का नुकसान होता है और उम्मत को अंदर से फाड़ने की कोशिश करते हैं उम्मत को कोई भलाई होती है तो इनको सदमा होता है और उम्मत पर कोई जवाल आए कोई तकलीफ़ आए कोई मुसीबत आए तो ये खुश हो जाते हैं इसलिए अल्लाह ताला ने तॉन्न किया दूर रहें लेकिन हमने कुरान की इस आयत बहस तो उम्मत में अर्ज़ कर रहा हूँ कुरान की इस आयत का एहतराम नहीं किया इस आयत पर अमल नहीं किया जिसका नुकसान जिसका खुमियाजा आज उम्मत भुगत रही है कुरान की एक बात याद रखी कुरान जब कमेंट करता है तो जनरलाइजेसन कुरान का तरीक़ा नहीं है कुरान कहते हैं उनमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं जो रातों को उठते हैं सजदरेज़ हो जाते हैं अल्लाह तला के आगे गिड़गड़ाते रहते हैं तो यहूद में कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनका भी तस्करा अल्लाह तला ने किया यही तरीक़ा हमको भी कहना चाहिए कि जब भी हमको किसी ग्रुप से तकलीफ़ हो तो हम कहेंगे कि फलां तबके का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है अगर कहना चाहें तो इंडियन मीडिया में बहुत तकलीफदा बातें सुनने को मिलती हैं तो हम ये कहेंगे कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इस्लाम दुश्मनी पर उतर आया है हम कहेंगे कि सरकारी अफसरान में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से फ़रार इख्तियार करके ना इंसाफ़ी करते हैं हम हमें कह सकते हैं कि अगर हमें अदालत उजमा से या किसी और अदालत से इंसाफ़ नहीं मिल रहा है और खुल्लम खुल्ला जुल्म की हिमायत हो रही है तो हम हमें कह सकते हैं कि अदालतों का भी एक हिस्सा ऐसा है अदालतों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसाफ को बेचते हैं जनरलाइज कभी ना करें सारी पुलिस ऐसी होती है सारे जजेस ऐसे होते हैं सारे हुक्मरान ऐसे होते हैं सारा मीडिया ऐसे होता है ये कुरानी अंदाज नहीं है जो जुल्म करते हैं उनको आप अलग करके बताइए और जो इंसाफ पर कायम हैं उनको अलग करके बताइए कहाँ कि ये यहूद नसारा वो लोग हैं जो अपने बग्ज़ को अपने इनात को बातों बात में कभी जाहिर कर देते हैं कुरान बताता है कद बदिल मिन अफवााहिम इनके मुंहों से इनका बग्स निकल पड़ता है ऐसा ही है बहुत से लोगों का आप देखेंगे कि नाम उनका बहुत रोशन बड़े इंसाफ पसंद और इंसानों के दरमियान सुलह सफाई करने वाले झंडा बहुत बुलंद होता है लेकिन अचानक मालूम हो जाता है जब वो कह देते हैं कि हम हिंदुस्तान को सिरिया बना देंगे तो फ़ौर पता चलता है कि उनके दिल का बख्श बाहर आ गया बाज़ ऐसे मजहबी गुरु होते हैं जिनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन जब शहरीत का बिल आ जाए या गाय के हवाले से मॉब लिंचिंग होने लगे तो अंदर का कीना बाहर आ जाता है बिल्ली थैले से बाहर आ जाती है और पता चल जाता है कि कौन किस तरफ़ अपनी वफादारियां रखता है कुरान ने हमें बताया है इन सब चीज़ों पर गौर करने के लिए क्लली ऑब्जर्व करने के लिए तो ये पहला हिस्सा यहां आकर खत्म होता है और अल्लाह बताया कि ये तुम्हें तकलीफ तो पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर तुम व इन तस्वीरों व त ला जुररकुम कई दुहम शै आ अगर तुम सब्र का रवैया अख्तियार करो और तकवा कायम रहो तो इनके कैद इनका मकर तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता खवातीन हजरात ये बात याद रखिए दो सिफात सब्र और तकवा सब्र और तकवा सब्र और तकवा कुरान में कई मरतबा आया है कि जब तक ये दोनों चीज़ों को थामे रहेंगे दुनिया में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता तुम्हारा पैर फिसल जाए तुम अपने मौकफ़ से हट जाओ तुम अल्लाह ताला को डरने के बजाय किसी और से डरने लगो तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से कोई गारंटी नहीं है गलबे के लिए ये दो सिफात का होना बहुत ज़रूरी है यह पहला सेक्शन ख़त्म हुआ आयत नंबर नाइन्टी टू से शुरू होकर आयत नंबर वन तक बने इसराइल को मासूल किया और उम्मत मुस्तिमा को अल्लाह ताला ने इमामत के दर्जे पर फायज़ किया और बताया कि अल्लाह का तखबा इख्तियार करो तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तुम में से एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो अमर बिल बिलमूफ नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दे इसलिए कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है और तुम लोगों के दरमियान अमर बिल बिलमूफ़ नहीं अनिल मुनकर का, का काम करते हो ये आयतें इसमें आ गई इसका दूसरा सेक्शन है वो ये कि बेसब्री और तखबा के खिलाफ रवैय अख्तियार करने की एक मिसाल अल्लाह ताला ने दी वो है उहद़ गजवा उहद़ उहद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मुशरिकीन के साथ जो जंग लड़ी उसमें सेकंड नंबर की जंग रही जंग बदर के बाद ये दूसरा मौका आया और अगर हाजी हजरा मदीना जाते हैं तो वो देखते हैं कि आजकल मदीने शहर के अंदर ही वो शामिल है किसी ज़माने में मदीने से बाहर वो इलाका था अब आप जाते हैं तो वो हैत वो कैफियत नज़र नहीं आती किसी ज़माने में ख़ुद मुझे बहुत पहले जाने का मौका हुआ तो वो उहद का पूरा इलाक़ा खाली था सुनसान था और पहाड़ नज़र आते थे अब तो आबादियाँ बस गईं अब तो उसका पूरा शेप बदल दिया गया वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए कुफ़ार मश्रकिन मक्के से चढ़ाई करने के लिए आए और वो तीन हज़ार का लश्कर ले आए नबी सल्लल्लाहु वसल्लम एक हज़ार लोगों को तैयार करके ले गए और बीच में से तीन सौ वापस मदीना चले गए सात सौ लोगों को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की तैयारी फरमाई वहाँ जाकर मोर्चा संभाला और एक छोटा सा टेला है वहाँ कुछ साहबा कराम को खड़ा किया और हॉर्स शू हॉर्स शू शेप में पहाड़ मौजूद है तो सहाबा को ऐसे खड़ा किया कि उनके पीठ की तरफ पहाड़ है यानी प्रोटेक्शन है पीछे से कोई मार नहीं सकता और सामने ये हार शू है और उसके सामने टेले पर चंद साहबा को खड़ा कर दिया अब कुफ्फारश्रकिन को आने का एक ही रास्ता था जंग हुई मुसलमान उसमें जीत गए कुफ्फ़ार मुश्रकिन भागने लगे तो जिन लोगों को टेले पर खड़ा किया गया था उन्होंने देखा कि अब मुशरकिन भाग रहे हैं तो माल गनीमत समेटने के लिए नीचे दौड़ कर आ गए हालांकि रसुल्ला ने कहा कि देखो अगर हमारी लाशों को कव्वे और चील नोच कर खाने लगे तब भी तुमको अपनी जगह को नहीं छोड़ना है छोड़ दिया उन्होंने नीचे आ गए कुफ्फारो मशरकिन के सरदारों ने देखा कि मोर्चा खाली हो गया है तो वो पीछे से घूम कर आए और आकर फिर एक बार ही उन्होंने हमला कर दिया बहुत नुकसान हुआ मुसलमानों का सत्तर साहबा कराम रिजवानल् तजम शहीद हुए नबी सली वम के दंदान मुबारक शहीद हुए आप ज़ख्मी हुए आपको बड़ी तकलीफ़ हुई यह सब कुछ वाक़ हुआ तो कुरान ने उस पर तबसरा किया आयत नंबर वन ट्वेंटी वन से वन एटी नाइन तक क़ुरान ने तबसरा किया और ये तबसरा मुसलमानों पर सत्रह नुकात की शक्ल में मैं आपके सामने पेश करूँगा नंबर एक ये है कि इस जंग में जो जीती हुई जंग थी हार गए मुसलमान तो उसमें पहला जो फैक्टर था वो ये है कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए था जिस रब ने बदर में तुम्हारी मदद की फ़रिश्तों को भेजा तुम्हारी मदद के लिए और यहाँ उहद में भी अल्लाह ताला ने पाँच हज़ार फरिश्तों को भेजने का वादा किया था लेकिन अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय माल गनीमत को लूटने की तरफ कुछ लोग जब चले गए और तीन सौ लोग तो पहले ही मुनाफिन चले गए तो कुछ लोग बाकी रह गए थे तो अल्लाह तबरको तला ने तीन हज़ार फरिश्तों को भेजा और वो इस वजह से मुफसरिन लिखते हैं कि तीन सौ लोग जो चले गए उसके इवज में अल्लाह ताला ने कहा कि तीन सौ चले जाएं तो क्या है तीन हज़ार फरिश्ते हम भेजते हैं अल्लाह ताला के लिए कोई तदाद में उसके पास कोई कमी नहीं है उसके लश्कर की कोई कमी नहीं है लेकिन साहबा कराम को बताने के लिए कि तुम्हें गम करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हारे जत्थे से तीन लोग अलग होकर चले जाते हैं तो तीन फरिश्तों को अल्लाह ताली ने भेजा उस पर भरोसा करने के बजाय मालद दौलत की तरफ लोग मुतवजह हो गए तो जीती हुई जंग हार गए दूसरा कमेंट ये था कि इस नुकसान के पीछे असल में ज़र परस्ती का जहन था दुनिया परस्ती का जहन था बुखल, नफ़रत गज़ब ये सब दुनिया परस्ती के साथ ज़र परस्ती के साथ आता है तो ये दूसरी वजह है तीसरी वजह यह कि रसूल की इत में कमी हो गई रसू ने कहा कि इस टेले को नहीं छोड़ना है इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना है लेकिन इत में कमी आ गई चौथे नंबर पर मुसाबिकत कंपटीशन दौड़ धूप बजाय इसके के वसारियों मगफरत रबिक मन्नतिन अर्ज वावत वाल अर्द आसमानों ज़मीन की उसत जैसी जो जन्नत है उस जन्नत के लिए और अल्लाह की मकफरत के लिए दौड़ लगाने के बजाय मालो दौलत की तरफ लोग गनीमत की तरफ दौड़ लगाने लगे मुसाकत करने लगे हज़रत आज हमारे दरमियान में ऐसा ही हो चुका है हमारी मुसाबिकतें किस पर हैं हमारा अजतमा कितना अजिमशान होता है हमारे गांव की मस्जिद कितने करोड़ रुपए की बनी है मदरसे के लिए कितना बड़ा चंदा लेकर आए और इदारों के अहदों पर कितने साल से ब्राहजिमान हैं इन चीज़ों पर हमारी मुसाबत है हालांकि मुसबिकत नेकी को फैलाने में म के ख़ात्मे के लिए इंसाफ के क़्याम के लिए बंदगा खुदा की खिदमत के लिए इलमी मामले में इस्लाम की खिदमत करने के लिए मुसाबिकत होनी चाहिए थी उसको छोड़कर हमने और बहुत से उम्र में मुसाबकत करना सीख लिया नंबर पाँच वह है कि इन्फाक करना इसमें कमी हो गई खुले छुपे हर हाल में इन्फाक करो तो अल्लाह ताला की मदद आएगी नंबर छः गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए अल्लाह ताला ने बताया कि गलती का एतराफ़ जो लोग करते हैं वो इस बात का इजहार करते हैं दोज़ हु एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स दे एक्सप्रेस दैट दे है ग्रोन दे हैव ग्रोन ए लिटिल बेटर वो इस बात का इजहार करते हैं कि अब वो बेहतर हो चुके हैं मेचोरिटी उनके अंदर आ गई है नंबर सात कहाँ के गम ना करो ये जो वाकयात हुए हैं ये आजमाइश के लिए हैं जन्नत के लिए है तो गम करने की ज़रूरत नहीं है नंबर आठ मौत हर एक को आनी है और मौत पर आदमी कफे अफसोस मले मर जाने पर कहे कि अगर हमारी बात मानते तो ये लोग मरते नहीं ये और इस तरह की जो बातें करते हैं ये नादानी की बातें हैं यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में ये अफवाह उड़ा दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौज़बल्ला शहीद हो गए तो बहुत से लोग मैदान छोड़कर भागने लगे तो कहाँ मौत तो सबको आनी है कमेंट नंबर आठ मौत हर एक को आनी है और मुसलमानों को जिस चीज़ ने पसपा किया वो उनकी दुनिया परस्ती थी और शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए भागते चले जा रहे थे अल्लाह ताला ने उसकी सज़ा ये दी गम पर गम दिया नंबर नौ ये है कि तकदीर पर यकीन होना चाहिए लोग कहते थे कि अगर मैदान को ना जाते तो मारे ना जाते कहा कि नहीं मैदान को जाते क्या घर में बैठते लोहे के किलों के अंदर भी तुम अपने आप को जो है मुकैद रखते तब भी वहाँ तुम्हें मौत आ जाती नबी अलैहि वसल्लम को एक बात की तालीम दी नंबर दस वो ये है कि फ़बीमा रहमत लहुम ये अल्लाह ताला की रहमत है कि आप बहुत नरम खूब वाकई हुए वलौ कु अगर आप सख्त दिल वाक़ होते तो लोग आपसे दूर हो जाते तो कहा कि फाफआन हूँ माफ़ करो इनकी गलतियों को वस्त फिर लहुम इनके लिए इसतफ़ार करो व शाविर हम फिल्मर और इन्हें इसके बाद शरीक मशवरा रखो भईज़ा आज़मता फ़तवक् जब किसी बात का फ़ैसला कर लें तो अल्लाह पर तोल करके उस काम को कर जाइए ये नंबर दस कमेंट नंबर ग्यारह ये है कि मुनाफिकिन ने आप पर खयानत का इल्ज़ाम लगाया उसको बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम बहुत बुलंद है आप लोगों के तजिए के लिए आए हैं और आपसे ये तो नहीं की जा सकती कि लोगों के साथ वो ख़यानत करें नंबर बारह यह है कि बाहर जाकर लड़ने पर बाज़ लोगों को अफसोस था कि शहर में होते तो अच्छा था तो कुरान ने कहा यह सब बेकार की बातें हैं जिनको जाना था बाहर वो गए लड़ना था लड़ाई हुई जिनको शहीद होना था वो शहीद हुए और शहीदों को मुर्दा ना समझो वो खुदा के पास बहुत बुलंद मुकाम रखते हैं नंबर तेरह यह है ज़ख्म खाने के बाद भी जो लोग रसूल और खुदा की आवाज़ पर लबैक कहें उनका ईमान बढ़ गया उनका अजर ज़ाय नहीं होगा उनका कलिमा यही था अल्लाह हसबून अमल वकील अल्लाह ताला हमारे लिए काफी है वही हमारा कारसाजी ये कहा करते थे नंबर चौदह काफिरों की चलत फिरत तुम्हें गमगी ना कर दे उनकी हुकूमतें उनकी दौलत उनके पीछे दुनिया की खवत मीडिया की खवत पैसों की खवत इन सब को देख कर तुम्हें गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है हमारे बहुत से लोग उनकी बातों को उनकी कु्वतों को प्रचार कर, कर कर के लोगों को गमगीन कराते हैं कुरान ने कहा नहीं काफिरों की चलत फिरत से मरूब होने की ज़रूरत नहीं है वला तो खाफू हम उनसे न डरो व खाफूनी इनकुन तुम मुमिन मुझसे डरो अगर तुम ईमान रखते हो उसके बाद नंबर पंद्रह ये कहा कि ये उस्ताद जो आई है वो खबीस को तयब से अलग करने के लिए नंबर सोलह ये बताया गया कि बुखल अच्छी चीज़ नहीं है उसके बजाय इन्फाक करो नंबर सत्रह ये कहा गया कि जान माल की आजमाइशें भी आएंगी और बहुत कड़वी कसी बातें भी सुनने को तुम्हें मिलेंगी ने कहा वाल मिन ओतुलखिताब मिन कबिल्ली अशरकु अदन कसीरा जिन लोगों को किताब दी गई इससे पहले वो और मशरकिन इन दोनों की तरफ से तुम्हें अजियतनाक बातें सुनने को मिलेंगे व इन तस्वीर उत तखो सब्र करवा अख्तियार करो तखवा करवायार करो तो ये तुम्हारे लिए खैर है बेहतर है फ़ैन नदारी काजमिलमूर ये बहुत ही बुलंद हौसले वाले लोगों की सिफात हैं शुरुआत में भी यही बातें आईं व इन तस्वीर वख्ताम पर भी यही आयत आई कि व इन तस्वीर वो तो हजरात इस पर जो है ये दूसरा सेक्शन खत्म हो आज का इस पारे का तीसरा सेक्शन जो है वो इख्तामिया है इन्ना फ़िकल के समावती वालद नहार आयत नंबर वन नाइन्टी से टू हंड्रेड तक जिसमें मुसलमानों को बताया गया कि मुसलमान वो होते हैं जो कायन पर गौर फ़िक्र करते हैं और फ़िक्र करना सोचना कंटम्पलेशन करना आइडिया ले आना ये उनका काम होता है वो लकीर के फ़ीर नहीं होते वो मक्खी पर मक्खी मार कर कोई काम नहीं करते बल्कि इनोवेटिव होते हैं क्रिएटिव होते हैं सोचते हैं और उसके साथ साथ अल्लाह तला को याद करते रहते हैं उठते बैठते लेटते उससे दुआएँ करते रहते हैं इस्तफ़ार करते रहते हैं आखिर में मुसलमानों को बताया गया जो हुआ सो हुआ जंगी उहद में लेकिन आइंदा के लिए याद रखो कि तुम जो है सबर से काम लो साबित कदम रहो एक दूसरे के साथ मजबूत रहो मुकाबले की तैयारी करो और अल्लाह से डरते रहो तो फिर उसके बाद तुम्हारे लिए कामयाबी है यह तीसरा पार्ट हो गया चौथा पार्ट इस पारे के अंदर वो है सूरह नशा की शुरुआत होती है और सूरह नसा में आयत नंबर एक से आयत नंबर तेईस तक बातें आई हैं इन में सर निसा शरीयत की सूरत है कवानी की सूरत है सूर बकरा में भी आपने देखा कि काफ़ी शरीयत के कवानी इस सूरत में बीच में साहबा कराम को और मुसलमानों को बताया गया कि हक बातिल की कश्मकश में तुम्हें क्या सिफात पैदा करनी चाहिए और तुम्हें इमामत के दर्जे पर जो फाइज़ किया गया उसके मुताबिक कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए फिर उसके बाद शरीयत आ रही है सुर निसा के अंदर इसमें एक अहद आफरीन ऐलान किया गया पहली आयत में अल्लाह तबरक़ ने मुसलमानों को बताया इंसानों को बताया या मिन कल वाहिदा व वा व का मिनजहा बसुमा कतीरा व बताया कि इंसान जितने दुनिया में पाए जाते हैं उन सब के जद्दे हम देखें आदम और हवा जिस मुल्क में हम रहते हैं यहां ये आइडिया गुम हो गया कि सारे इंसानों के बारे में ये ख्याल कि वो एक माँ बाप की औलाद हैं ऐसा नहीं है यहाँ कुछ लोग आला और अरफा मुकाम रखते हैं यहाँ कुछ लोग अदना हैं यहाँ कुछ लोग तबके अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं और कुछ लोग तबके अरादिल से ताल्लुक रखते हैं इंसानों के दरमियान छूत छात का निज़ाम है इंसानों के दरमियान ऊंच नीच का निज़ाम पाया जाता है कुरान ने बताया नहीं सारे इंसान बनी आदम आदम के औलाद हैं उसके बाद इस पारे में आठ कवानीन शरीयत के आठ अहकाम बयान किए गए नंबर एक यतीम के माल की हिफाज़त करो नंबर दो ज़रूरत हो तो दो दो तीन तीन चार चार औरतों से शादी हो सकती है लेकिन अदल ना कर सको तो एक ही पर इतफा करो हुक्म नंबर तीन महर दिया करो औरतों को महर दिया करो महर के ज़रिए से वो तुम्हारे लिए हलाल होती हैं महर एक मानो में सोशल सिक्योरिटी का अमाउंट है इतनी रकम कि जिसके नतीजे में कुछ हो जाए तो औरत एक दो साल की ज़िंदगी बसर कर सके महर ऐसी दी जाती थी पहले उसके बाद उसमें जवाल आया तो बस एक टोकन अमाउंट बाज लोग देते और बाज लोग कर्ज़ रख देते थे तो महर अच्छी खासी रकम औरत को देने के लिए बताया गया कि महर देकर औरत से शादी करो नंबर चार मीरास का कानून आया बहुत इनकलाबी क़ानून है इससे पहले दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता था कि जिसमें बताया गया कि मर्दों का भी एक हिस्सा है औरतों का भी हिस्सा है मर्दों को दुगना मिलेगा औरतों को सिंगल मिलेगा उसकी वजूहत हैं और यह बताया गया कि मनफियात की बुनियाद पर नहीं है कौन क़रीब तरीने उसकी बुनियाद पर जो है माल और दौलत तकसीम होगी मरने के बाद और इसमें जो मरने वाला कर्ज छोड़ा है वो पहले वो अदा किया जाए फिर उसके बाद उसने अगर किसी को वसीयत की है तो उस वसीयत के मुताबिक वन थर्ड किसी मदरसे को किसी जमात को किसी नेक काम में लगाना चाहें तो वो वसीयत के बाद जो माल बच जाए उसमें उनके जो रिश्तेदार होंगे उसका एक कानून है उसका एक पूरा सिस्टम है उसके मुताबिक माल तकसीम होगा तिल का हदूदल्ला ये अल्लाह ताला के हदूद हैं ये इसे तोड़ना नहीं चाहिए मीराश के सिलसिले में आज उम्मत के अंदर गलतियाँ पाई जाती हैं औरतों का हक नहीं दिया जाता है कहा कि नहीं अल्लाह ताला ने जिन जिन को जैसे हक बताया है उसके मुताबिक मीराश का माल तकसीम होना चाहिए नंबर पाँच बदकार औरतों को सजा दो घर में बांध कर रखो या तो तौबा करें या कोई कानून आ जाए तो बाद में चल कर जब सुर नूर नाजिल हो गई तो उसमें लहरक ने क़ानून बता दिया नंबर छः औरतों के साथ हसन सलूक करो बहुत शानदार बात कि इससे पहले कभी ये बातें इस तरह की नहीं आई कि औरतों के साथ भलाई करो औरतों को उनके हकूक़ दो उनके साथ इज्जत का सलूक करो उनके साथ भलाई करो ये सब चीज़ें बताई गईं और बताया कि एक बात अगर तुम्हें तुम्हारी औरत में पसंद ना आए तो याद रखो कि अल्लाह ताला बहुत सी खूबियां उसके अंदर रखा होगा और वक्त आने पर वो खूबियां नज़र आएंगी इसलिए किसी एक बात जो तुम्हें ना पसंद हो उसकी बुनियाद पर झगड़ा नहीं होना चाहिए और उसके बाद नंबर सात सौतीली माओं से निकाह हराम करार दिया गया और नंबर आठ हुरमत वाले रिश्ते बताए गए चौदह रिश्ते वही जो हुरमत अबदिया में आते हैं यानी हमेशा के लिए वो रिश्ते हराम हैं माँ है खाला है फूफी है और बहन है इस तरह तफसील है चौदह उसके बाद एक है वो दो बहनों को एक निकाह में शामिल नहीं रखा जा सकता इसका मतलब ये हुआ कि साली जो होती है वो हरमत अब्दिया में नहीं है वो परमानेंट हराम नहीं है बीवी के होते हुए साली से निकाह नहीं हो सकता किसी वजह से बीवी का इंतकाल हो जाए या बीवी किसी वजह से शौहर से जो जुदाई इख्तियार कर ले तो उसकी बहन से शादी करने में बाद में कोई मुजायका नहीं है लेकिन बायात दो बहनों को एक साथ निकाहाम नहीं रखा जा सकता हुरमत अब्दिया में चौदह लोगों की फहरिस्त है और उसके बाद प्लस एक वो है कि हुरमत अब्दिया तो नहीं है लेकिन जब तक बीवी है तब तक उसकी बहन से शादी नहीं हो सकती इस पर यह पारा ख़त्म होता है और यहाँ तक आठ शरीयत के कवानीन आ गए इन शल हजीद शरीत के जो कवानीन आ रहे हैं उस पर गुफ्तू करेंगे आगे अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह तबरक ताली हमें बन इसराइल की जो बगावतें जो सरकशियाँ थी उस तरह की बगावतों और सरकशियों से बचने की तोफ़ी अतः फ़रमाए इमामत का जो अज़ीम मनसब दिया गया उसका अहतराम करने, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तोफ़ी अतः फरमाएँ और अल्लाह तबरक शरीय के कवानीन की पाबंदी की हमें तोफ़ी अतः फरमाए आमीन ब आखिर दावाना अनिलहमदिल्ला रबालमीन